सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप .dll फाइल मिसिंग एरर जो आता है विंडो में, विंडो पीसी में या सिस्टम में या लैपटॉप में, तो उस एरर को किस हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स बनाए हैं सिंपल सिंपल से। तो इन 7 पॉइंट्स की मदद से अपन इसी को ही, इन्हीं 7 पॉइंट्स को आज फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस एरर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे किसे ये DLL फाइल मिसिंग एरर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है ये विंडो 7 में विंडो सर्वर 2003 सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, विंडो सर्वर 2008, विंडो वीस्टा, विंडो एक्सपी सर्विस पैक 2, विंडो एक्सपी सर्विस पैक 3 एंड विंडो 7 एंड विंडो 8, इन सभी में आराम से काम करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर टाइप करते हैं तो अपना सेकंड स्टेप है ओपन द वेरी फर्स्ट लिंक ऑफ द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को ही ओपन करना है। किसी दूसरी वेबसाइट, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ये जो है डाउनलोड मत कीजिएगा। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर टाइप करना है डायरेक्ट एक्स एंड यूज़र रन टाइम वेब इंस्टॉलर। तो चलिए टाइप करते हैं ये। तो जब आप यहाँ पे टाइप करते हैं डायरेक्ट एक्स, मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे जाके पेश कर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, यहाँ पे मैंने टाइप किया डायरेक्ट एक्स एंड यूज़र रन टाइम वेब इंस्टॉलर। तो ये टाइप करने के बाद आपको हिट करना है एंटर पे। तो जब आप एंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ सर्च देख सकते हैं, सर्च रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो लिंक आता है वो है डायरेक्ट एक्स एंड यूज़र रन टाइम वेब इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करना है आपको। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स के बता देगा। यहाँ पे आप अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं कि ये आपके सिस्टम में वर्क करेगा या नहीं करेगा, जैसे कि मैंने बताया कि इन सभी में काम करेगा ये। और यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं इसकी कि कितने हैं, 2 KB का सिंपल सा जो है सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है और यस कर देना है। तो जब आप इसको यस करेंगे, यस करने के बाद आप कुछ डायरेक्ट एक्स वेब इंस्टॉलर की इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स वेलकम टू सेटअप फॉर डायरेक्ट एक्स, आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप इस बिंग को हटा सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो, और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप देखेंगे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आई होप ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और जब ये कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ आपको ऐसा शो होगा, ये कंप्लीट होने के बाद आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, यानी कि आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है। जब आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो DLL मिसिंग फाइल का जो एरर था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, वो एरर अब दोबारा आपके पीसी में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, आई होप ये वीडियो छोटा सा वीडियो आपको सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये सॉल्यूशन जो है ये 99% चांस है कि आपके कंप्यूटर में वर्क करेगा ये। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल में ऐसे ही हम ऐसे ही वीडियोस डालते रहते हैं, पुट करते रहते हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।